नमस्कार, आप देख रहे हैं ATN लाइव और आज मैं प्रियांशु आप लोगों के साथ बनी हुई हूँ। आज दशहरा का जो है वो फर्स्ट डे है, मतलब पहला दिन है, और नवरात्रि के पहले दिन भक्तों की जो उमंग है और भक्तों में जो उत्साह दिखाई देता है वो बहुत ही दिलचस्प होता है। तो आज हम आ गए हैं सिवान में स्थित कचहरी रोड के दुर्गा मंदिर में, और यहाँ आप देख सकते हैं कि भक्तों की कितनी भीड़ हो रही है इस टाइम। और ये शाम का वक्त है और यहाँ जो भक्त हैं वो आराम से अपनी पूजा आराधना कर रहे हैं। कोविड के बाद 2 साल में हम देख सकते हैं बहुत कुछ बदलाव आया है, और भक्तों के बीच क्या इस चीज़ को लेकर क्या कहना है, क्या मानना है, हम अभी आपसे बात करके बताएंगे। आइए हम बात करते हैं और पता करते हैं कि आज इस शुभ अवसर पे ये जो भक्तों की भीड़ है इस पर इनका क्या कहना है। मैम आपका नाम बताइए। पूनम कुमारी। पूनम कुमारी मैम, आपने व्रत रखा है? हाँ, तो कैसा लग रहा है कोविड के बाद, कोरोना वायरस की जो है उसके उस फेज के बाद आज आप आई हैं, और क्या कुछ बदलाव आपको लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। कोरोना वायरस के उस समय मंदिर तो बंद रहता था, अब खुला हुआ है तो सब पूजा पाठ करें, उसमें बहुत अच्छा लग रहा है करने में। तो इस बार जो मेले लगने वाले हैं थोड़े दिन बाद, सप्तमी के से शुरुआत जो होती है, उस मेले में आप जाती हैं? हाँ, मेला में जाते हैं। तो आपको इस बार कोई डर है कि जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए, ऐसा कुछ लग रहा है, या आपने सोचा है कि नहीं प्रशासन की तरफ से बहुत कुछ है तो इस बार हम ज़रूर जाएंगे, ऐसा कुछ है? लग रहा है, नहीं देखिए उस समय अब वैक्सीन चल गया है, सुइया लग रहा है, तब थोड़ा बहुत डर नहीं लग रहा है। ठीक है, तो आप देख रहे हैं किस तरह से भक्तों में नहीं लग रहा, पर डर तो है सबका बना हुआ है। तरह भक्तों में जो है वो उत्साह अभी भी बना हुआ है, कोरोना लॉकडाउन फेज के बाद जो है भीड़ अभी भी उतनी ही देखी जा रही है। तो आइए बात करते हैं किसी और से और पता करते हैं कि जो दुर्गा पूजा समिति ने गाइडलाइंस दिया है उस बारे में लोगों का क्या कहना है और क्या। तो अब आप देख रहे हैं कि मैं मंदिर में अंदर आ चुकी हूँ, और ये आपके जो भक्त हैं यहाँ पे, जितने भी माँ दुर्गा के भक्त हैं वो अपने आराम से अपने श्रृंखला में जा रहे हैं। कोई ऐसी भीड़ अभी दिखाई नहीं दे रही है, और बिल्कुल लोग जो है वो आराम आराम से अपना सब कुछ मेंटेन करते हुए डिस्टेंस को आप देख सकते हैं नॉर्मल अपना जा रहे हैं। कोई ऐसे धक्कम धुक्कम वाली जो परिस्थिति है वो यहाँ नहीं है। तो आइए आज हम एक और भक्त से मिलते हैं और इनसे पूछते हैं कि क्या कहना है इनका। अजय कुमार दुबे। आप कहाँ से आते हैं? मेरवा से। इस बार आपको क्या लगा लॉकडाउन फेज के बाद जो हमारा त्यौहार फिर से मनाया जा रहा है, तो आपको कुछ बदलाव लगा है ऐसा? बदलाव ये देखने में आ रही है मैम कि अभी जैसे कि कोविड जो गाइडलाइंस है तो बहुत लोगों ने मास्क लगाया भी है, बहुत लोगों ने मास्क नहीं भी लगाया, ये देखने को मिल रहा है। दूसरी बात क्या है कि लास्ट ईयर में जब लॉकडाउन लगा हुआ था तो वहाँ पर थोड़ा सा पर्व में थोड़ा सा उत्साह देखने को कम मिला, लेकिन इस बार लोगों में थोड़ा सा मंदिर खुल चुके हैं तो लोगों में उत्साह बहुत अच्छी तरीके से है, ये देखने को मिल रहा है। ठीक है, आपको ऐसा लगता है कि लोग गाइडलाइंस को पूरा मेंटेन कर रहे हैं इस बार, कोशिश कर रहे हैं अपनी तरफ? कोशिश कर भी रहे हैं और नहीं भी कर भी रहे, लेकिन लोगों को कोशिश करनी चाहिए क्योंकि जितना हम बच सकते हैं उतना अपने को फायदा होगा, बाकी तो लोगों की मर्जी पे होती है कि लोग क्या करें क्या नहीं करें। इस बार खरीदारी के बारे में आपका क्या कहना है कि लॉकडाउन फेज के बाद जो पहले की तरह उत्साह से जोश से करते थे, क्या वो आज के टाइम में अभी हो पा रही है? नहीं मैम, ऐसी नहीं हो पा रही, इसलिए नहीं हो पा रही है कि अभी तक जहाँ से जो कोविड-19 के कारण जो भी लोगों की इनकम है, जॉब बहुत लोगों की चली गई हैं, तो थोड़ी सी और महंगाई का बीमार हो ही रहा है, सब देखने को मिल रहा है आपको। तो इसके यहाँ पे हम कह सकते हैं कि कुछ लोग जिनकी आर्थिक स्थिति अच्छी है वो तो खरीद पा रहे हैं, लेकिन और भी लोग हैं जिनको कहीं ना कहीं थोड़ा सा प्रॉब्लम फेस करना पड़ रहा है। जी आपकी कैसे ये लोग जो हैं अभी भी भक्तों में वही उमंग वही जोश दिखाई दे रहा है, लॉकडाउन फेज के बाद भी जो भक्तों का उत्साह है वो कम नहीं हुआ है, वो आज भी हम देख रहे हैं, तो ये कह सकते हैं कि भक्त और भगवान के बीच कोरोना वायरस अभी नहीं आया है।
आइए हम इनसे भी पूछ लेते हैं कि इस नवरात्रि में ये क्या अपने क्या क्या महसूस कर रही हैं और कैसा लग रहा है इन्हें। आप कहाँ से आती हैं? हम पटवा टोली सिवान से आते हैं। तो इस बार आपको क्या लग रहा है, लॉकडाउन फेज के बाद जो फिर से त्यौहार मनाया जा रहा है, तो आपको कुछ बदलाव ऐसा महसूस हो रहा है? इस बार सारे नागरिकों में काफ़ी उत्साहित है दशहरा पूजा घूमने की और मेला देखने की। तो इस बार आप मेले में जाइएगा? हाँ, अगर सिचुएशन अच्छा रहा तो जरूर जाएंगे लोग। इस बार मैम आपने व्रत रखा है? जी रखा हुआ है। तो क्या कुछ तैयारी आपने की, कुछ थोड़ा सा हमारे दर्शकों को बताइए। क्या क्या कुछ तैयारी आपने की है इस बार, थोड़ा सा हमारे दर्शकों को बताइए कि इस बार लॉकडाउन के पहले जो खरीदारी होती थी या जो जोश होता था मार्केट में भी देखने के लिए मिलता, क्या इस बार आपने वो देखा? हाँ, हमने सारी तैयारियां जैसे लॉकडाउन के पहले करते थे वैसे इस बार भी की है, क्योंकि सब कोई चाहता है कि अब सिचुएशन संभले और सब कोई उसी तरह माता दुर्गा का स्वागत करे जैसे हम पहले करते। तो क्या आपको लगता है मैम कि इस बार अब जो त्यौहार मनाए जा रहे हैं उसमें डर थोड़ा कम हुआ है लोगों में और जोश उसी तरह बरकरार है? हाँ, लोगों में डर कम होना चाहिए और लोग खुश रहें और जहाँ रहे स्वस्थ रहे, बस इससे ज़्यादा खुश रहे। तो हमारी तरफ से ATN की तरफ से आपको हमने दिखाया कि यहाँ जो दुर्गा मंदिर है स्थित कचहरी रोड में, वहाँ पे लोगों में कितना उत्साह है और लोग आज भी कोरोना फेज के बाद भी लोग अपना बरकरार रखा हुआ है लोगों ने कि हाँ हमें पूजा करनी है, आराधना करनी है बिना किसी डर के। लेकिन हम आपके हमारी तरफ से एक छोटा सा अनुरोध है ATN चैनल की तरफ से कि प्लीज़ अभी भी आप अपना मास्क जो है वो हमेशा लगाएं और कोशिश करें कि मास्क के साथ साथ आप थोड़ा दूरी बना के भी रखें लोगों के साथ। ये हमारे तरफ से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, इसे प्लीज़ ध्यान में रखिए। और अभी भी जैसे आप आते हैं पूजा करते हैं या शॉपिंग के लिए जाते हैं, तो प्लीज़ थोड़ा सा ध्यान रखें कि आपकी तरफ से कोई ऐसी गलती ना हो जो आपके लिए जान। के दुकानदारों से भी बात करते हैं कि इन लोगों की बिक्री में कितनी बढ़ोतरी हुई है या घटत हुई है, आइए इनसे बात करके देखते हैं। सर अपना नाम बताइए। हमारा नाम अखिलेश्वर प्रसाद है। सर आप यहाँ पे ये दुकान कब से चला रहे हैं? 1988 से। 1988 से। तो आपको क्या लग रहा है लॉकडाउन के बाद बिक्री बढ़ा है या घटा है, कैसा हुआ है? बहुत नॉर्मल है, हाँ, भीड़ भी उतना नहीं है और नॉर्मली भी भीड़ भाड़ हो रहा है, उतना खास भीड़ नहीं है, लॉकडाउन के चलते बिक्री भी सही नहीं है। तो यहाँ पे लोगों की भीड़ कितनी होती है रोज़, कितना आपको लग रहा है? आज से तो शुरुआत हुआ है, तो आज आपको क्या लगा कितनी भीड़ थी यहाँ? आज भीड़ कोई खास भी नहीं, मान लीजिए 100% है तो मान लीजिए जो 60% 50% है, जहाँ 100% लगता है वहाँ मान लीजिए 50% 40% भीड़ है। आपको लगता है कि आपका जो ये है बढ़ोतरी होगी बिक्री में थोड़ी? अब माता जी को कृपा है, बढ़ोतरी होगा कि कैसे ही चलेगा, अब तो माता जी कृपा है, अब तो कोई कहा नहीं। ठीक है, ठीक है, थैंक यू। तो देख सकते हैं आपकी दुकानदारों में भी वही उमंग देखी जा रही है कि इन्हें लगता है कि आज की शुरुआत है और शुरुआत हमेशा अच्छी होती है, शुभ होती है। तो दुकानदारों का भी यही कहना है कि यहाँ पे जो है शुरुआत के बाद बहुत अच्छी बढ़ोतरी होने वाली है खरीदी और बिक्री में, तो देखते हैं क्या होता है। रहिए मैं संवाददाता प्रियांशु के साथ, कैमरामैन मंटू के साथ ATN। हम कहेंगे कि बहुत अच्छा लग रहा है दुर्गा मंदिर पूजा का कर आज। हाँ, आज पहला, हाँ नहीं करो, कोरोना के वजह से हम लोग नहीं कर पाए नवरात्र का पूजा। हाँ पूजा मंदिर पे पूजा करने यहाँ हम लोग देवी पे बहुत विश्वास रहता है, श्रद्धा हम लोग रखते हैं, विश्वास पूर्वक हम लोग यहाँ पे आए। नवरात्र का पहला दिन और यहाँ पर दुर्गा मंदिर में बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत शांति मिल रहा है यहाँ पे आके हमको। सोना सिंह यही अंदर ढाला सिवान करने के लिए है ना, लाइन में खड़े हम लोग अनुशासन से अपना पालन कर रहे हैं। आज पहला दिन है नवरात्र का पहला, इसके लिए हम लोगों को बधाई देंगे, बधाई लेंगे। नाम बता दीजिए। मेरा नाम है शंकर जी तिवारी, मेरे पास आए हैं।